नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ YouTube चैनल आइडियाज के बारे में, लेकिन ऐसे YouTube चैनल आइडियाज जिनमें हम बिना फेस दिखाए चैनल बना सकते हैं और उनसे हम अच्छा खासा ग्रोथ पा सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों यह आइडिया आया मुझे वीडियो बनाने का, अचानक से नहीं आया। कल मैं एक वेबिनार ले रहा था एक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के लिए, वहाँ पर मैंने यूट्यूब को एज अ फुल टाइम करियर लेने के बारे में मैंने बताया था। तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के सवाल आए कि भाई हम बिना फेस दिखाए ऐसे यूट्यूब चैनल बना के ग्रोथ पा सकते हैं क्या, कि जैसे मेरा चैनल है या फिर मैंने और भी चैनल्स पर ग्रोथ मैंने पाए, तो क्या हम बिना फेस दिखाए भी ग्रोथ पा सकते हैं। तो वैसे तो मैंने वहाँ पर जवाब दे दिया, बट मुझे ऐसा लगा कि ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे जिन्हें फेस दिखाने में प्रॉब्लम होती है। वो ऐसा सोचते हैं कि हम गुड लुकिंग नहीं है या फिर हम कॉन्फिडेंट नहीं है कैमरे से बात करने में, तो इसलिए वो चाहते नहीं है कि हम फेस दिखाकर वीडियोस बनाएं। तो उनके लिए मैंने कुछ टॉपिक्स निकाले हैं, कुछ रिसर्च किए हैं, ऐसे टॉपिक्स जिनमें ग्रोथ अच्छी है, फ्यूचर अच्छा है और उनमें टॉपिक्स की कमी नहीं होगी अगर आप चैनल पर काम करोगे। तो दोस्तों जो सबसे पहला चैनल आइडिया है वो है बुक समरी का। तो दोस्तों आप पीछे मेरे देख सकते हो कुछ बुक्स यहाँ पर रखे हुए हैं। तो अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक है और आप चाहते हो कि इसके ऊपर कंटेंट बनाकर आप पैसे कमाओ, तो जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हो मैं रिकमेंड करूँगा कि जितने भी नॉन फिक्शनल बुक्स हैं उनको आप पढ़ते हो तो आप उसके समरीज को बता सकते हो। उसमें आपको फेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है वीडियो स्क्राइब। वो पेड सॉफ्टवेयर होता है हालाँकि, तो आप कर सकते हो, या फिर आप जो स्टॉक फुटेज होते हैं फ्री में स्टॉक फुटेज भी मिलते हैं पिक्सल्स या पिक्साबे जैसे साइट से, आप फुटेजेज उठाकर वॉइस ओवर देकर बना सकते हो। एग्जांपल के लिए अगर चैनल का नाम बताऊं तो उसका नाम है ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ करके एक चैनल है, गीगल नाम से फेमस है। तो उन पे बिना फेस रिवील किए वो चैनल चलाते हैं। दोस्तों जो सेकेंड टॉपिक है वो है बिजनेस केस स्टडीज़। इसमें भी आपको फेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। रेफरेंस के लिए आप स्टार्टअप ज्ञान चैनल देख सकते हो, लेकिन वो अपना फेस दिखाते हैं। बट आपको क्या करना है, आप यहाँ पर अलग अलग जो भी ब्रांड्स हैं अलग अलग कंपनियाँ हैं उनके ग्रोथ के बारे में डिस्कस कर सकते हो, उनकी केस स्टडीज़ बता सकते हो। तो उसमें आपको फेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप उन्हीं कंपनी के प्रोडक्ट एंड ऑल और जो भी स्ट्रैटेजी है उन सब चीज़ों को दिखाकर आप कॉन्टेंट बना सकते हो। और इस तरह के कॉन्टेंट काफ़ी चलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूँ तो आप ये बता सकते हो कि एप्पल की कंपनी कैसे बनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, या फिर इंडिया में रिलायंस कैसे सबसे बड़ा हुआ, जितने भी कंपनी से जोमैटो हो गया स्विगी हो गया, इन सब के बारे में आप केस स्टडीज बना सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन स्टोरीज को कितने क्रिएटिव तरीकों से दिखा सकते हो। इसके अलावा आप किन किन टॉपिक्स पर या फिर किन किन ब्रांड्स का केस स्टडी करोगे कि लोगों को इंटरेस्ट आए उस तरह के वीडियोस देखने में। दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोटिवेशनल स्टोरीज। जी हाँ दोस्तों, इस पर भी आप बिना फेस दिखाए वीडियोस बना सकते हो। इसके रेफरेंस के लिए मैं एक चैनल का नाम बताऊंगा निकोलॉजी, जो बिना फेस दिखाए काफ़ी अच्छी आवाज़ है उनकी, काफ़ी सही तरीके से वो मोटिवेशनल स्टोरीज बताते रहते हैं और जिसको लोग काफ़ी पसंद करते हैं। तो अगर आपके यहाँ पर देखो गाइस, मैं सबसे पहले बता दूँ, फेस तो आप दिखा नहीं रहे तो आवाज़ में आपके दम होना चाहिए। नहीं दम है तो आप ऐसा माइक खरीदो और माइक को एकदम पास में रख के बात करो। जैसे भी मान लीजिए मैं इसको एकदम पास में रख के बात करता हूँ इस माइक को, तो आवाज़ थोड़ी अलग आएगी। तो दोस्तों आप चाहे तो मोटिवेशनल स्टोरीज भी बना सकते हैं। अभी देखिए मैं तो अमरीश पुरी जैसा बोल रहा हूँ, लेकिन आपकी आवाज़ में अगर दम है तो आप चाहे तो मोटिवेशनल स्टोरीज के ऊपर कंटेंट बना सकते हैं। इसी में अगर हम फोर्थ बात करें तो इसी से थोड़ा मिलता जुलता है, वो है कोट्स एक्सप्लेनेशन। इसमें आपको क्या करना है, जितने भी फेमस लोगों ने कोट्स बोले हैं, जितने भी फेमस लोगों ने अपनी कोई ऐसी मोटिवेशनल लाइन बोली है जो काफ़ी फेमस है, जैसे मान लीजिए संदीप माहेश्वरी जी ने अभी बीच में एक पूरा सीरीज़ निकाला था कि स्वामी विवेकानंद के कोट्स को एक्सप्लेन किया था, बिल गेट्स के कोट्स को एक्सप्लेन किया था, जितने भी महारथी हैं जितने भी महापुरुष लोग हैं उनके कोट्स को एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर मान लीजिए संदीप माहेश्वरी जी कर रहे हैं तो वीडियो तो चलेगी ही चलेगी, लेकिन अगर आप ऐसा बनाते हो कि इस कथन को आप पूरा जो भी फेमस कोट है उसको आप एकदम से एक्सप्लेन करोगे काफ़ी अच्छे से एग्जांपल के साथ में, तो लोगों को सुनने में बड़ा मज़ा आता है। तो ऐसे करके आप काफ़ी कंटेंट बना सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ऐसे कोट्स हैं जिनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो सोचो एक कोट पे आप अगर एक वीडियो बनाते हो तो हज़ारों कोट्स अवेलेबल हैं, तो आप देखो सुनो कोट्स को समझो और उसके ऊपर इंटरेस्टिंग सा वीडियो बना सकते हो कोट्स को एक्सप्लेन करते हुए। अगला जो टॉपिक होने वाला है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था, हिंदी एनिमेटेड स्टोरीज़। दोस्तों इसके रेफरेंस के लिए आप एक कुकू हिंदी करके चैनल है, कुकू टीवी करके एक चैनल है, वहाँ पर आप देखोगे हिंदी में स्टोरीज रहते हैं।
एनिमेटेड स्टोरीज रहते हैं, लाइक एनिमेशन चलता है और उसके ऊपर वॉइस ओवर करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको फेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एनिमेशन आना चाहिए। एनिमेशन के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, एनिमेशन आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपको एनिमेशन नहीं आता तो यहाँ पर भी आप वीडियो स्क्राइब का मदद लेके आप चीज़ें कर सकते हो, या फिर किसी एनिमेशन वाले बंदे को हायर करके कॉन्सेप्ट सोच के आप उसके ऊपर वीडियोस बना सकते हो। इसका प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा आएगा बट वीडियोस काफ़ी चलती हैं, इसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, ग्रोथ भी है और बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं इस तरह के वीडियोस एनिमेटेड वाले। बच्चों के लिए आता है अगला टॉपिक जो है किड्स एजुकेशन। अब इसमें मैं ज़्यादा आपको क्या बताऊँ, किड्स के लिए जो भी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, कलर्स हो सकता है या फिर पशु पक्षियों के नाम हो सकता है, जानवरों के नाम हो सकता है, उन सब चीज़ों को आप वीडियोस में बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो और ऐसा वीडियो बनाओ कि जैसा कोई बच्चा देख रहा है, आप बच्चे को समझा रहे हो, बच्चे को पढ़ा रहे हो। क्योंकि गाइस पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम पूरा ऑनलाइन आ रहा है, तो एजुकेशन वाले जितने भी कॉन्टेंट है, चाहे बच्चों के हो, चाहे बड़ों के हो, चाहे रिसर्च वाले हों, हर एक लेवल पे डिमांड बहुत ज़्यादा है एजुकेशनल कंटेंट का। तो अभी मौका है, अगर आप एजुकेशनल कंटेंट बनाना चाहते हो तो आ जाओ, इसमें भी आपको फेस दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाता है, वो है जीके अपडेट। दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे जीके के बुक्स आते हैं या फिर जीके के क्वेश्चंस आते हैं, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आप वीडियोस में बना सकते हो, दिखा सकते हो। और थंबनेल पर आपको कुछ ऐसा बनाना है कि उसमें एक क्वेश्चन लिखा रहेगा, चार ऑप्शंस दिए रहेंगे और आपको पूछना है इसमें से कौन सा सही है थंबनेल पर। तो काफ़ी लोग जो लोग जीके जैसे कंटेंट में इंटरेस्टेड होते हैं वो लोग इस वीडियो को देखते हैं और इसमें काफ़ी अच्छा व्यूज़ आता है। तो इसमें हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट आता रहता है, जीके बोले तो जनरल नॉलेज, इस तरह के चीज़ों में काफ़ी अपडेट आता रहता है। तो आप बना सकते हो, हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन पेपर आते रहते हैं, एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, तो उनके क्वेरीज को सॉल्व करते हुए आप वीडियो बना सकते हो और उसमें भी फेस दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक और इंटरेस्टिंग चैनल टॉपिक मैं बताता हूँ, वो है फ्री स्टॉक फुटेज। दोस्तों हम ज़्यादातर जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं फ्री स्टॉक फुटेज के लिए pixels.com या फिर Pixabay पर जाते हैं, लेकिन अगर आपको वीडियोग्राफी का शौक है या फिर आप घूमते हैं बट आप वीडियो लाइक व्लॉगिंग नहीं करते, आप वीडियो में सामने नहीं आना चाहते, सिर्फ आप जो भी सीनरीज रहती हैं उनको रिकॉर्ड करते हो, जो भी दृश्य होता है उसको रिकॉर्ड करते हो, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे चार पाँच पाँच मिनट के फुटेज रिकॉर्ड करके 4K में जो भी कैमरा आपके पास है, जितना भी अभी तो देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये वन प्लस का फ़ोन है, इसमें 4K वीडियो रिकॉर्ड होती है, टाइम लैप्स भी रिकॉर्ड होता है, तो आप टाइम लैप्स 4K और हाइपर लैप्स करके जो होता है ना उन सबको रिकॉर्ड करके आप एक अपना फ्री स्टॉक फुटेज बना सकते हो। आपने NCS का नाम सुना होगा, जहाँ पर फ्री में म्यूज़िक अपलोड होते हैं, तो उसको कोई भी यूट्यूबर यूज़ करता है और उन्होंने उसको मोनेटाइज भी किया हुआ है, तो वहाँ से काफ़ी उनको व्यूज़ मिलता है और वहाँ से यूट्यूबर्स भी उस गाने को यूज़ करते हैं। ऐसे ही आपके फुटेज को कोई यूज़ करेगा और आपके फुटेज पे ऐड चलेंगे तो आप ऐड रेवेन्यू तो कमा ही लोगे। आप चाहो तो बाद में अगर आपके पास सब्सक्राइबर बेस बढ़ जाता है तो आप उनके लिए एक प्रीमियम ऑफ़र दे सकते हो और आगे चल के भी इसका काफ़ी डिमांड होने वाला है। तो ऐसे में आप कहीं भी घूमने के लिए जाते हो तो आप ऐसे स्टॉक फुटेजेस बना लो, जैसे मान लो आप दिल्ली गए तो इंडिया गेट का आपने स्टॉक फुटेज बना लिया, बट कोशिश आपको ये करनी है कि कोई थर्ड पर्सन अगर उसमें आ रहा है, लाइक कोई व्यक्ति उसमें दिख रहा है तो वो नहीं दिखना चाहिए। अगर आपके पास ड्रोन है तो आप ड्रोन शॉट ले सकते हो और उस शहर के नाम से आप अपलोड कर सकते हो कि इस सिटी का ये ड्रोन शॉट है। काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको काफ़ी सही एक निश मिल जाएगा जहां पर आप काम कर सकते हो सीरियसली, और ग्रोथ के साथ साथ पैसे भी काफ़ी अच्छा बनाओगे। फिलहाल के लिए इतना ही मैं टॉपिक बताना चाहूँगा, अगर आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और साथ ही साथ अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हो कि और क्या क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें हम बिना फेस दिखाए वीडियोस बना सकते हैं तो नीचे कमेंट करके बताना। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार इंस्पायरिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो।